कोरोना महामारी को काबू में करने का एकमात्र तरीका वैक्सीन है, लेकिन महामारी के इस दौर में वैक्सीन पर अमीर देशों का कब्जा हो गया है, जबकि गरीब देशों के हाथ में ना के बराबर वैक्सीन आई है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्टडी के अनुसार कुल कोरोना वैक्सीन का 48% डोज अमीर देशों ने अपने नागरिकों को लगवा दिया है, मतलब 84% आबादी वाले मध्यम वर्गीय आय और गरीब देशों में रहने वाले को 52% वैक्सीन के डोज से ही काम चलाना पड़ेगा। अमीर देशों की बात करें तो इजराइल की 60% आबादी पहला डोज दे चुकी है, जबकि 58% लोग दोनों डोज दे चुके हैं। ब्रिटेन की करीब 50% आबादी पहला डोज दे चुकी है, जबकि 16% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। अमेरिका में अभी तक 41% लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है और 26% लोग वैक्सीन का दोनों डोज देकर हर्ड इम्यूनिटी पा चुके हैं। चीन में 41% आबादी को पहला डोज दिया जा चुका है और 29% दोनों डोज दे चुके हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया है कि अमीर देशों ने वैक्सीन सप्लाई का 53% अपने कब्जे में ले लिया, जबकि 92 गरीब देश 2023 से पहले 60% वैक्सीनेशन भी नहीं करा पाएंगे। सोमालिया, नॉर्थ कोरिया, यमन, लाइबेरिया और हैती जैसे ऐसे कई देश हैं जिनके पास अब तक वैक्सीन का एक डोज नहीं होने की खबरें हैं। वहीं भारत में अभी तक केवल 8.2% लोगों तक ही वैक्सीन का पहला डोज पहुंचा है। यहां हर 1,00,000 लोगों में से महज 9,488 तक ही वैक्सीन के डोज पहुंच सके हैं। चिंता की बात तो ये है कि जब देश में वैक्सीन की भारी किल्लत है और वैक्सीन ही इस महामारी के खिलाफ एकमात्र हथियार है, तो ऐसे में देश महामारी का सामना कैसे करेगा। ऐसी ही तमाम खबरों और काम की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।